हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलबेल अहमदाबादी। और आज बहुत दिनों बाद अभी हम निकले साउथ इंडिया जाके, कहीं गए नहीं थे, तो अभी हम जा रहे हैं लाभा मंदिर दर्शन करने के लिए। बढ़िया देव का मंदिर है, बहुत अच्छा है। और डीडी को बीच में बहुत बुखार आ रहा था, तो फिर थोड़ी मन्नत मानी थी उनकी, तो अभी हम जा रहे हैं। और साथ में है विश्वा, अधिशुआ, डीटू और मयूरी। ओके गाइस, चलो फिर चलते हैं अहमदाबाद का लाभा मंदिर, आपको दिखाता हूँ बढ़िया देव का। तो फिर चलो फिर शुरू करें। ओके गाइस, चलो अम्बे माते की जय। और ये बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं। चलो भाई, मंदिर आ गया है। चलो भाई बच्चा लोग, नीचे उतर जाओ। और ये हमारा सारंग मंदिर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ कार पार्किंग है अभी। क्या इन्हें कराओ? और ये यहाँ पे जो भी मन्नत मानते हैं उसके वजन का यहाँ पे गौर बोलते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी भीड़ है भाई यहाँ पे, सब दर्शनार्थी आए दर्शन करने के लिए। और ये गौर कि मन्नत बांधी उसकी, उसके वजन के जितना, मतलब उसकी वेट जितना हो उतना गौर हमने मन्नत बांधी थी। यहाँ पे उसका वन वेट किया और इतने रुपए का अभी जो जितने रुपए का गौर आएगा उसका पेमेंट कर देंगे, तो ये मन्नत पूरी हो गई। मतलब ये यहाँ पे ऐसी मन्नत मानी जाती है, जितना वजन हो बच्चे का उतने वेट का अगर गौर बोलते हैं, गौर गुजराती में गौर बोलते, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, उस यहाँ पे वेट करा के और जो भी जितना वेट हुआ उतना पैसे दे दो तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। हाँ, ये मंदिर में जाने की लाइन है भाई, अभी लाइन में जा रहे हैं अभी सब। ईसो बढ़िया देव जी जय। ये देखिए मंदिर की नक्काशी, देखिए बहुत ही यहाँ पे मन्नत मनाई जा रही है। और ये हमारे, चलो भाई थे गई, चलो भाई। और ये देखिए बहुत ही अच्छी नक्काशी है। अरे जय, ये मंदिर अद्भुत है। देखो यहाँ पे स्लीपर बदलने की व्यवस्था की है यहाँ पे, ये मंदिर के अंदर कोई गंदगी ना हो, तो ये स्पेशल यहाँ पे जगह बनाई हुई है। सब लोग यहाँ पे, ये देखिए
अपनी स्लीपर यहाँ पे करते हैं। अच्छी बात है, ये मंदिर भी एकदम क्लीन रहे और सबकी मन्नत भी पूरी हो जाए। ये देखिए मंदिर के पीछे का व्यू। ओके क्या ये देखो यहाँ पे बनाया गया है। यस, यहाँ सब आके खाना खाते हैं घर से लाके। बहुत बड़ा डोम बनाया हुआ है, ये मंदिर के पीछे ही बनाया हुआ है। सब सारे भक्त यहाँ पे आके फैमिली के साथ सब खाना खाते। ये देखिए पीछे का व्यू। बहुत ही बरसों पुराना मंदिर है, काफी सालों से सब यहाँ पे आते हैं और सबकी मनोकामना भी यहाँ पे पूरी होती है। लांबा मंदिर बहुत बड़ा प्रांगण है सामने, और अगर आपको यहाँ के मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रसिद्ध है, गुजराती में बूंदी के लड्डू बोलते हैं। ये देखो सामने प्रसाद भेंट केंद्र लिखा है, वहाँ से मिलता है। यहाँ का जो चवाणू होता है, चवाणू वो भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। देखो सामने है, अभी हम लेने जाएंगे। लाइन बहुत है भाई, देखो प्रसाद लेने की भी लाइन है सामने। यहाँ पे कम लाइन है, चलो यहाँ से ले लेते। त्रण लाड़वा एक चवाणू कितना? 300। चलो भाई प्रसाद आ गई है। ये देखिए इसमें मोतीचूर के लड्डू है, पकड़ो। चलो भाई अभी अब घर की ओर चलते हैं, प्रसादी ले लिए, लड्डू ले लिए घर वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। अभी चलते हैं अभी घर। ओके गाइस, ये देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बढ़िया देव का मंदिर है, बहुत ही चमत्कारिक है। लाभा गांव के अंदर आया हुआ है अहमदाबाद, और बच्चों को जो ओरी अच्छा बड़ा वो सब होता है, चिकन बॉक्स वो सब, तो इनकी मदद से अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे अहमदाबाद से क्या पूरे गुजरात से यहाँ आते हैं यहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए। ओके गाइस, चलो फिर चलते हैं अभी वापस घर। हमारी मन्नत हो गई, सारंग की थी मन्नत तो पूरी हो गई, अभी चलते हैं घर। देखिए आप ये सारू आ गए, आगे 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 आवाज हो। चलो पार्किंग में आ गए, अभी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, और आराम से आप गाड़ी वाड़ी पार्क करना हो तो कर सकते हैं। ये जो बहुत बड़ी बड़ा पार्किंग है, और हमारी इको आ गई। चलो भाई अपनी इको आ गई, खसो खसो खसो। चलो भाई अपनी गाड़ी आ गई है, खोलो। चलो बच्चे लोग बैठ जाओ फटाफट अंदर, फिर जाते हैं अपने विश्वा के घर। आ जाओ सब, क्यों विश्वा? हाँ। बैठ जाओ। चलो भाई बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और मन्नत पूरी हो गई अपने सारंग की। और यहाँ पे प्रसादी दिखाओ तो बताओ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। देखो थेपला, लहसुन की चटनी, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी मिलती है। दिखाओ, ये देखो ये आम, कच्चा आम, और ये मर्चा, और ये क्या बोलते हैं इसको, लहसुन की चटनी। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो सब यहाँ पे ये बना के अपने घर पे बना के यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है।
तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ इन लोगों से खरीदते हैं और हमने भी ये खरीदा, तो आप भी यहाँ आओ और इनको भी कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी तो अच्छा है भाई, उन लोगों को भी अच्छा है और अपने अपने को भी टेस्ट मिल जाए अच्छा। और ये देखो हमारा टीटू बुन लड्डू, बताओ प्रसादी, ये मोतीचूर के लड्डू यहाँ के बहुत फेमस होते हैं, देखिए गाइस ये बढ़िया देव का मेन प्रसाद है मोतीचूर के लड्डू, गुजरात में इसको बूंदी के लड्डू बोलते हैं, तो ये बहुत ही फेमस है। आइए आप गुजरात में अहमदाबाद में आइए तो यहाँ का दर्शन कीजिए, बढ़िया देव का मंदिर लांबा गांव में आया हुआ है, बहुत ही फेमस है। ओके गाइस चलो फिर अभी घर चलते हैं, गाड़ी शुरू करते हैं, चलो। गाइस यहाँ पे ये मेला मेला भी होता है, यहाँ पे राइड्स और वो सब बच्चों की ये जो गेम्स होती है वो भी होती है। हर संडे यहाँ पे मेले जैसा ही होता है यहाँ पे। वो यहाँ पे राइड से सारी दिख रही है, अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखो ये मार्केट भी बहुत यहाँ पे होता है, कपड़े बच्चों के बड़ों के भी और छोटे छोटे बच्चों की राइड्स भी होती है। ये देखिए हाँ मेले जैसा ही होता है, हर संडे यहाँ पे मेला होता है क्योंकि पूरे गुजरात से यहाँ पे आते हैं सब, और छोटे छोटे गांव से तो बहुत लोग आते हैं क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है इसलिए, और बहुत पहले से ही यहाँ पे सब आते हैं। देखिए अभी भी मार्केट चल ही रहा है, भी है और इस और भी है। देखा है चलो फिर अभी रखते हैं यहीं पे, अभी मैं थोड़ा ड्राइव कर दूं, अभी बहुत ट्रैफिक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर नई जगह पे। देखा है बाय बाय, ये ब्लॉग का अंत यहीं करते हैं, सब फिर मिलते हैं कुछ नई जगह पे और नई ट्रिप पे, हम तो बातों की जय, चलो घर वापिस।